जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप इस डेडिकेशन के साथ कि आपका एग्ज़ाम CPO है नेक्स्ट मंथ, आपका एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस है, आपका एग्ज़ाम रेलवे का है, आपका एग्ज़ाम स्टेनोग्राफर का है, आपका एग्ज़ाम आने वाला CGL है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर के आप अपने लाइफ का एक बेहतरीन टाइम व्यतीत कर रहे होंगे अपनी किताबों के साथ, अपने सपनों के साथ। और अपने माता पिता को, अपने चाहने वालों को आपने वादा किया होगा कि बस कुछ दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हारे हर सपने को पूरा कर लूँगा। अब ये हो सकता है मेरी कल्पना हो या आपकी वास्तविकता हो। यदि आपकी वास्तविकता हो तो बेहतर है, और कल्पना है तो इसको वास्तविकता में बदलें। अभी आप समझ पा रहे होंगे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपके लिए पूरा बेहतर और अच्छे से जो मैटर अवेलेबल करा रहे हैं उसका आप फायदा उठा रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे अगली क्लास में भी, और हम नेशनल मूवमेंट पे कम से कम 4 क्लास आपको देंगे। उस नेशनल मूवमेंट का आज दूसरा क्लास है। आज कुछ क्वेश्चंस भी हैं और आज कुछ थियरी भी है। फिर साथियों, कल और परसों हम दो पार्ट में और डिस्कस करेंगे। हो सकता है हमें जरूरत पड़े तो पांचवा पार्ट भी लाएं, छठा पार्ट भी लाएं। तो कल हम लोग कहां तक डिस्कस किए थे, तो कम हम लोग 1905 तक डिस्कस कर लिए थे। बंगाल का विभाजन हो गया था और बंगाल विभाजन के कारण देश में मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट कई तरीके के ग्रुप आए, जिन्होंने आंदोलन करने के तरीके के आधार पर एक दूसरे का के साथ असहमति जाहिर की। और हमने देखा था कैसे करके हमारा नेशनलिज्म पैदा हुआ था। अब हम आज आगे उसके 1905 से 1916 तक होम रूल आंदोलन तक, होम रूल मूवमेंट तक डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा कल की क्लास के हम साथ को रिलेट कर देते हैं। और हमने कहा कि 1905 के बाद का जो टाइम है वो एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट है, एक ऐसा समय जिसमें हमारे क्रांतिकारी विचारों के समर्थक, जिनका मानना था कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीनना पड़ता है। अभी आप देखेंगे कि उनके तरीके कैसे थे। जैसे आपको मुझे यदि जागरूक करना होगा अपने सपनों के लिए, किसी आंदोलन के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए, तो मुझे आपके अंदर की आत्मा को जगाना होगा। मुझे आपको याद दिलाना होगा कि आपके अंदर भगत सिंह की विचारधारा है। मुझे आपको याद दिलाना होगा कि हमारे ही इस भूमि पर राम की का जन्म हुआ था, कृष्ण के का जन्म हुआ था। ऐसे कई सारी पद्धतियों का उपयोग करके ये लोग हमें थोड़ा सा उग्रवाद की तरफ, थोड़ा राष्ट्रवाद की तरफ, थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म की तरफ लेके चलेंगे। कैसे कैसे लेके आएंगे वो बात की बात है। इन्होंने आते ही क्या किया, पुराने सिस्टम को बदला, कहा कि वो पिटीशन, प्रेयर, प्रपोजल वाले से बात नहीं बनेगी। उनको डराना होगा, उनको एहसास कराना होगा कि हमारे चीज़ यदि हमें नहीं दोगे तो हम ले लेंगे। हमने कहा कि हम स्वतंत्र पैदा हुए और हम स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे ऐसे विचार हमने दिए। हमने कहा कि भारत एक भूभाग नहीं है, भारत एक आत्मा है, सोल है, और भारत के लिए हम अपना जान दे सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें अभी हम सीखने वाले हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नेता का नाम आता है वो आता है साथियों बाल गंगाधर तिलक। बहुत सारी बातें हैं सीखेंगे आज इनके बारे में, पाल, बिपिन चंद्र पाल, और अरविंदो घोष और लाला लाजपत राय। बाद में अरविंदो घोष ने अपना राष्ट्रवाद से हट गई है और रिलीजियस हो गए, लेकिन ये जो लाल, बाल, पाल, ये तीन नाम हमारे लिए बड़ी जरूरी होता है ना। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष। तो इन लोगों ने क्या किया कि
कोशिश किया कि हम अब अपने तरीके को इस तरीके से करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने विचारों से जोड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये एहसास करा सके कि राष्ट्रवाद किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं, किसी एक घटना विशेष का नहीं, सबका राष्ट्रवाद है। थोड़ा सा यहाँ पर सीखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म होता क्या है, क्योंकि आजकल क्या है कि राष्ट्रवाद का मीनिंग थोड़ा सा बदल गया है। तो थोड़ा सा हम सीखते हैं कि जो आज़ादी के टाइम का राष्ट्रवाद है वो क्या आज वाला है या तब वाला है। एक दो रियल लाइफ से एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या है, तो हो सकता है आप लोग भी कमेंट करके बता पाएं कि ये मीनिंग होता है राष्ट्रवाद का, ये मीनिंग होता है राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का। और चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या होता है नेशनलिज्म, देश के लिए सोचना, देश का सोचना क्या होता है। अभी जैसे किसी ने कहा भारत माता की जय, वंदे मातरम, पत्रकार ने पूछा क्या मतलब होता है वंदे मातरम का, उन्होंने कहा भारत माता की जय, उन्होंने कहा बताइए तो, पत्रकार ने पूछा कि वंदे मातरम का मतलब होता क्या है, कहा जी क्या होता है पता नहीं, लेकिन भारत माता की जय, क्या हमें प्राउड है हम भारत माता को जय कहते हैं, हमें प्राउड है हम वंदे मातरम। तो क्या ऐसा राष्ट्रवाद है, जैसे किसी ने कहा कि कुछ लोग, कोई चोर था वो रेलवे स्टेशन पर, उसने सामान चोरी किया, लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ने लगे, वो भागने लगा, लोग दौड़ने लगे, और एक समय आया जब चोर को पकड़ लिया, लोगों ने मारना शुरू किया, पीटना शुरू किया उस चोर को, चोर ने भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद, वंदे मातरम, लोगों ने उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया जो लोग उस चोर को मार रहे थे। लोगों ने कहा कि तुम एक राष्ट्रभक्त, एक देशभक्त व्यक्ति को मार रहे हो, ये तो गलत है। तो क्या साथियों राष्ट्रवाद का मतलब यही है भारत जिंदाबाद कहना? तो जवाब है कि नहीं, राष्ट्रवाद का मतलब है, नेशनलिज्म का मतलब है नेशन फर्स्ट, जब देश सबसे पहले हो जाए, मैं जाति धर्म पर्सनल बेनिफिट से उठ करके ऊपर सोचने लगूं। जिसके एग्जाम्पल हैं भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तिलक, ये जो हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, दैट वाज नेशनलिज्म। मैंने कहा था कल आपसे एक सेंटेंस, यदि मेरा जीवन देने से आने वाली पीढ़ियों का जीवन अच्छा होता है तो मैं अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। ये सारे विचारधारा राष्ट्रवाद के थे। आज का राष्ट्रवाद क्या है, कैसे है, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जब किसी पार्टी के झंडा से ऊपर देश के झंडे का उपयोग कोई पार्टी करने लगे तो समझना है कि राष्ट्रवाद खतरे में है, नेशनलिज्म खतरे में है। पार्टी का अलग एजेंडा हो सकता है, देश का अलग एजेंडा हो सकता है, संगठन का अलग एजेंडा हो सकता है, देश सबसे पहले। तो ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम इस पर बात करेंगे कि राष्ट्रवाद के तरीके अब बदल रहे थे, अब हम अनुनय विनय की बात नहीं कर रहे थे, और प्रश्न की क्या वजह हुआ एक्सट्रीमिस्ट आ गए। तो हमने देखा कि जो मॉडरेट थे, नरम दल वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, एक आधार तैयार कर दिया हमारे अंदर नेशनलिज्म का, हमारे अंदर राष्ट्रवाद का, हमारे अंदर एक विचारधारा को, भारत को पहली बार महसूस कराया कि भारत गुलाम है और इसे आज़ाद कराना है। लेकिन उनके तरीके बहुत पीसफुल थे, जबकि अंग्रेज थे बदमाश, बदतमीज व्यक्ति से बदतमीजी से सॉल्व नहीं करेंगे तो सुलझेगा नहीं, अंग्रेज कुछ उसी कैटेगरी में थे। ये बात एक्सट्रीमिस्ट को समझ में आई और उन्होंने देखा कि इनकी बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं रही, थोड़े बहुत इन लोगों ने लोगों को मूव किया है। तो अब इन्होंने आकर के एक्सट्रीमिस्ट ने कहा कि हम बताएंगे क्या तरीका है। और इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई, जब 1904-5 में जापान ने, एक छोटे से देश ने, यूरोप के सबसे बड़े पावर रसिया को पराजित कर दिया। तब भारत के राष्ट्रवादियों को लगा कि यदि हम मजबूती से उठ खड़े हों और अपने अधिकारों के लिए तैयार हों तो इन यूरोपियन कंट्रीज को, जो अपने आप में सुप्रीम कहते हैं अपने आप को, उनको हम पराजित कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी घटनाएं थी जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को मोटिवेट किया है। तो ये कल से हमने जोड़ दिया लगभग आपको, कई सारी घटनाएं थी करजन के द्वारा, कौन कौन से एक्ट पास किए थे ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एक बेसिक सा डिफरेंस देखो, मॉडरेट में क्या डिफरेंस है और एक्सट्रीमिस्ट में क्या डिफरेंट है। मॉडरेट क्या कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुली, प्रेयर के द्वारा, पिटीशन के द्वारा, ट्रिपल पी हमने कहा था, हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे। इन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा होएगा ही नहीं, हमें प्रेयर से बाहर आना होगा,
हमें पिटीशन से बाहर आना होगा, हमें पीसफुली रिक्वेस्ट से बाहर आना होगा और हमें स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंसी चाहिए, हमें आधा अधूरा नहीं चाहिए, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। हम अब आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, ये बात आपको समझना होगा। तो ये सारी शुरुआत किसके द्वारा लाई गई? एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। यहाँ तक साथियों, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप क्लियर होंगे, कल भी हमने इस पर बात कर ली थी। ये क्या चाहते थे मॉडरेट? कि धीरे धीरे हम अंग्रेजों को उनके आइडियोलॉजी से चेंज कर लेंगे, उनके विचार को चेंज कर लेंगे और एक टाइम आएगा जब अंग्रेज हमें हमारा देश देके चले जाएंगे। ये कहते थे कि नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बदतमीज लोग हैं, इनके साथ मजबूती से एक्शन लेना होगा, तब जाके होगा। इन्होंने कहा कि हम इनवॉयलेंस रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से हम काम करेंगे। हमने कहा कि नहीं भाई, जरूरत पड़े तो हम थोड़े बहुत वायलेंस भी होंगे, हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने अधिकारों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और अब आता है कि उनका तरीका क्या था एक्सट्रीमिस्ट का, उनका तरीका क्या था, एक्सट्रीमिस्ट कैसे काम करते थे, क्या काम करते थे, उसको एक बार सीखना है। तो कुछ मैं कोटेशन बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते क्या थे। जैसे अरविंदो घोष ने अपनी बुक भवानी मंदिर में लिखा, अरविंदो घोष आप जानते हैं, उन्होंने लिखा कि भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है और ना ही ये किसी प्रकार की मूर्ति है और ना ही किसी के मन की कल्पना है। इट इज नॉट अ इमेजिनेशन, इट इज नॉट अ लैंड, इट इज नॉट अ सिंबल, इट इज अ इमोशन, कलेक्टिव इमोशन। ये एक सामूहिक चेतना है जिसमें एक सुपर एथिक्स हैं, जिसके पास बहुत सारे विचारधारा हैं। और भारत, बल्कि हम आपको बताएं तो पहली बार भारत को धीरे धीरे एक भूमि के टुकड़े से उठा करके एक राष्ट्र के रूप में, नेशन, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट और समझो। जब मैं बोलता हूं भारत माता की जय, तो भारत माता की जय का मतलब किसी भूमि की जय की बात नहीं हो रही है। भारत माता है कौन? क्या कोई भूमि है? तो जवाब है नहीं, भारत माता हम और आप हैं, हम जितने लोग हैं। तो भारत माता की जय का मतलब है कि तुम मेरे काम आओ, मैं तुम्हारे काम आओ, हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। भारत माता जय और मारो इसको, ये नहीं बोल रहा भारत माता, तो ऐसा नहीं है। भारत माता का मतलब ये सबका साथ, सबको लेकर के चलना, सबको विकास करना, दैट इज भारत माता। कोई भूमि ना होकर के एक इमोशन, एक विचारधारा, एक जोड़ना। जब आप सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किसी भारतीय को मारा गया, जो आपको गुस्सा फ्रस्ट्रेशन आता है, दैट इज राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, और आप एक यूनाइट हो जाते हैं, एक साथ उठ खड़े होते हैं, उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। जब आप सुनते हैं कि चाइना के सैनिकों को भारतीय कुछ सैनिकों ने कुछ अच्छे से इलाज किया है, तो आपके मन में जो एक खुशी आती है, चेहरे पर मुस्कुराहट जो आता है, वो है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। तो इन लोगों ने इस चीज़ को क्रांतिकारी तरीके से प्रस्तुत करना शुरू किया। जैसे तिलक ने कहा, अच्छा इन लोगों की सबसे बड़ी, राष्ट्रवादियों का सबसे बड़ा आधार क्या था? इन्होंने क्या किया कि लोगों को इमोशनल जोड़ना शुरू किया। अब इमोशनल कैसे जोड़ा जाएगा? तो इमोशनल जोड़ा जाएगा आपके ऐतिहासिक जो कैरेक्टर हैं, जो ऐतिहासिक पहचान है, उसको आपको याद दिलाया जाएगा। और आपको याद दिलाया गया तिलक के द्वारा कि गणपति महोत्सव कराया गया, शिवाजी महोत्सव कराया गया, और कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं ले करके रहूंगा, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ हूं। तो जैसे जैसे हमने अपने आप को आपको जोड़ना शुरू किया कल्चर के साथ, आपके पुराने, आपको अपनी संस्कृति पर, आपको अपने कल्चर पर प्राउड महसूस कराना शुरू किया। जब मैं आपसे बोलता हूं कि आपके वेदों में वो सब कुछ है जो आज का मेडिकल नहीं रिसर्च कर पा रहा है, तो आपको प्राउड फील होता है, तो आप अपने राष्ट्र के लिए, अपने उस कल्चर को बचाने के लिए उठ खड़े होते हैं। तो इन लोगों का सबसे बड़ा आधार था कि लोगों को रिलीजियस आधार पर कल्चर से जोड़ना, और उन्होंने हर वो चीज़ कोशिश किया है जोड़ने का जो किया जा सकता है। और उन्होंने पूरी तरीके से ब्रिटिश जो सेंस था उसको रिजेक्ट किया,
उन्होंने कहा कि हर वो चीज़ जो हमें चाहिए वो हम ले के रहेंगे। उन्होंने कहा कि दे पॉइंटेड द फोर्सफुल मीन बाई विच द ब्रिटिशर्स हैड टेकन कंट्रोल ऑफ इंडिया, दे बिलीव दैट द पॉलिटिकल राइट विल हैव बी फॉट फॉर, है ना, हमें लड़ना होगा अपने अधिकारों को लेने के लिए। क्लियर है यहां तक? चल, अब उन्होंने कौन कौन से मेथड यूज किए? बाइकॉट। आपको वैसे जान लो, तिलक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी शब्द का उपयोग किया है ना, स्वदेश, बाइकॉट, स्वराज। तिलक ने अपनी बुक में लिखा, बल्कि अगर जैसे पूछ सुनो, ये पूछा जाए स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया? तिलक ने। कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का पहली बार उपयोग किसने किया? दादा भाई नरोजी ने। पूर्ण स्वराज का उपयोग किसने किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। तो इन्होंने बाइकॉट का मेथड यूज किया, स्वदेश का मेथड यूज किया और स्वराज का उपयोग किया। और इन्होंने क्या किया? कहा कि ये सब पॉसिबल है कैसे? जब आप राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट करेंगे। आज भी आप देखो, प्राइमरी एजुकेशन में फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन कंपनीज को अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि जो एजुकेशन होता है वही हमारे मेंटल लेवल को जनरेट करता है, वही हमारे सोचने समझने की। यदि हम ऐसे में फॉरेन एजुकेशन देने लगेंगे तो व्यक्ति के सोचने समझने का जो कल्चर से जुड़ाव है वो खत्म हो जाएगा। चले, अब तीन लीडर हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, बाल गंगाधर तिलक के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में, बिपिन चंद्र पाल के बारे में और अरविंद घोष के बारे में, यानी चार लोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला आते हैं हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो हमने कहा स्वराज, स्वदेशी, बाइकॉट, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार का शुरुआत देने वाला कोई व्यक्ति है तो वो कौन है साथियों? बाल गंगाधर तिलक है। चिरोल ने तो यहां तक कहा कि भारत में अशांति का दूत है। सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस भारत में यदि किसी ने किया है तो इन्होंने ही किया है, ऐसा इसने कहा। क्वेश्चन आता भी है कि चिरोल ने किसको अशांति का दूत कहा था। इन्होंने 1884 में गणपति महोत्सव शुरू किया, 1886 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया। इसका पर्पस क्या था? राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को बड़ा करना और सबको एक साथ जोड़ना। चले, इनको हम किस नाम से जानते हैं साथियों? इनको हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं, है ना, लोकमान्य तिलक कहते हैं। इन्होंने ये दो अखबार भी निकाला करते थे, मराठा किसमें? इंग्लिश में, और केसरी मराठी में। ये ध्यान रखना, दोनों उल्टा है। मराठा पूछा जाए, दो हो गए न्यूज़पेपर मराठा, तो ये किसमें साथियों? इंग्लिश में, और केसरी तो ये किसमें? मराठी में। तिलक वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इनको हमने अघोषित रूप से या घोषित रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला नेता घोषित किया हुआ है। तो जेल में गए, देखो यहाँ चिरोल कहता है द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति का जनक। चिरोल इज द ब्रिटिश राइटर जो भारत के इतिहास को लिखता है, और ये कहता है कि इस एक व्यक्ति ने भारत में उग्रवाद को पैदा किया, इस एक व्यक्ति ने भारत में अशांति को पैदा किया है। चल, नीचे वाला हटा देते हैं। ओके साथियों, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वारीज हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बोल देंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है तो हम साथ कोशिश कर रहे हैं कि उन कॉन्सेप्ट पे आपके साथ जितना ज़्यादा ज़्यादा जस्टिस कर पाऊँ उतना कर रहा हूँ। फिर भी लगे कि नहीं, थोड़ा सा और बताइए, थोड़ा सा और भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अब साथियों, इनको ही वॉज ऑल्सो कन्फर्ड द टाइटल ऑफ लोकमान्य, लोकमान्य तिलक से भी है, लोकमान्य भी इनको कहते हैं। लोकमान्य का मीनिंग क्या होता है? एक्सेप्टेड बाई पीपल एज देयर लीडर, जिसको जनता ने मान्यता दे दी हो, जिनको जनता ने स्वीकार किया हो कि यस ही इज माई लीडर। और गांधी जी के शब्दों में ही इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए गांधी जी के शब्दों में आधुनिक भारत का जनक कौन है, तब है तिलक। वैसे पूछा जाता तो किसको हम बोलते हैं? राजा राममोहन राय को। भारत के राष्ट्रवाद को पैदा करने में साथियों, हमारे जो विवेकानंद हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा
कि कमजोरी जो है वो पाप है, वीकनेस इज ए साइन सिन, कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, डेड है। और हे युवाओं उठ खड़े हो, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हमें इस कमजोरी से बाहर निकलना होगा। तो ये वे लोग हैं जो अघोषित रूप से हमें ये मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ हमें लड़ना होगा। तो हमने कहा स्वराज शब्द इन्होंने कहा। तिलक ने 1890 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था। एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है यहां पर, अरविंदो घोष का बुक का नाम क्या था? हमने कहा था भवानी मंदिर। अभी और भी बुकें आएंगी, रुक जाओ थोड़ी देर बाद। अभी जो मैंने कोटेशन दिया था वो भवानी मंदिर का दिया था। तिलक कभी भी कांग्रेस के चेयरमैन नहीं बन पाए, तिलक कभी भी कांग्रेस के चेयरमैन नहीं बन पाए, ये हमारे लिए एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। जबकि मुझे लगता है कि वो बने होंगे, ऐसा बताते कि 1917 में बनते, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। चल, इनको देशद्रोह के मामले में 3 बार जेल में भेजा गया, 1897, 1909, 1916। और 3 बार देशद्रोह का आरोप लगाया गया, 1897, 1909 और 1916। और मांडले जेल भेजा गया इनको 1908 में 6 साल के लिए। और यहीं पर जब 1914 में जब वो बाहर आएंगे जेल से, तो अब शुरू करेंगे वो क्या, कांग्रेस को यूनाइट करेंगे दोबारा। फिर क्या करेंगे, होम रूल आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और इनके प्रयासों से ही 1916 में जो कांग्रेस 1907 में बट गई थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में, दोबारा कांग्रेस 1916 के लखनऊ पैक्ट में मिल जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके प्रयासों से लखनऊ पैक्ट हुआ था, किसके प्रयासों से लखनऊ समझौता हुआ था? तो ये तिलक के प्रयासों से हुआ था। ये पहले व्यक्ति हो जाते हैं जो ये कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि भारत को एक एकता प्रदान की जाए, आप चाहते हैं कि भारत यूनाइट हो, तो हिंदी को यूज कीजिए कांग्रेस में, देवनागरी स्क्रिप्ट को लागू करने का बल देते हैं। तो ये विचारधारा पहली बार कोई व्यक्ति कांग्रेस के लीडर के रूप में सजेस्ट करता है, दैट इज तिलक। होम रूल का मतलब क्या है, रुक जाओ बस सब आएगा, आप जहां तक सोचेंगे इस टॉपिक में सब पढ़ाएंगे। इन्होंने बुक लिखी द आर्कटिक होम ऑफ होम्स इन वेदास 1903 में। इन्होंने गीता रहस्य लिखा, श्रीमद् भागवत गीता रहस्य, कहां पर, वहीं जेल में रहने के दौरान ही। इन्होंने द ओरियन लिखा। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे एसएससी ने पूछे हैं। और ये सब कहां से है, एनसीईआरटी से है, यूपीएससी तो जबरदस्त पूछता है ऐसे क्वेश्चन। चल, यहां तक हो गया तिलक। अब आ जाते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, इन्हें हम बंगाल का शेर भी कहते हैं, लॉयन ऑफ बंगाल। बंगाल में एक्सट्रीमिस्ट को लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। स्वदेशी आंदोलन के दौरान इनका बहुत बड़ा रोल रहा। इन्होंने यूएसए में, देखो ये ध्यान रखना, यूएसए में, अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। आता है और ये क्वेश्चन और आप गलत कर देते हो, भारत में कौन होम रूल लीग चला रहा है, तिलक और रेने बेसेंट, और यूएसए में किसने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना, किसने, लाला लाजपत राय ने। इन्हें हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। इनका आपने सुना था 1894 में जब पीएनबी बना था, तो इसमें भी इन्होंने पैसा लगाया था। लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी में भी इन्होंने पैसे लगाए थे। तो ये एक तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, लीडर भी हैं, और देश के लिए लड़ने वाले एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति भी कह सकते हैं। आप देखेंगे कि लास्ट में इनकी मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के टाइम लाठीचार्ज की वजह से इनकी मृत्यु हो जाएगी, अभी वो भी देखेंगे हम। और ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस इन स्पेशल सेशन ऑफ 1920 का। इन्होंने 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना भी की है।
है ना, जिसका पर्पज क्या था कि निचले तबके के लोग, जरूरतमंद लोगों को मदद करना। चले, इन्हें भी सेडिशन के आरोप में मांडले जेल भेजा गया और 1928 में गो बैक साइमन के नारे के दौरान इन पर लाठीचार्ज हो जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा बताते हैं, आगे हम सीखेंगे कल की क्लास में। साइमन कमीशन जो थे वो आए थे इस बात को चेक करने के लिए कि क्या भारत, क्या इंडिया इस लायक हो गया है कि उनको शासन दे दिया जाए। लेकिन उनके कमीशन में क्या था, एक भी भारतीय नहीं था उनके मेंबर में, सात मेंबर थे, सातों में एक भी भारतीय नहीं था। तो भारत को लगा कि यार ये कैसे हो सकता है कि भारत के बारे में डिस्कशन करना और भारत का एक भी नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा। तो भारत में जगह जगह जो नेता थे उन लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। मुंबई में जब उतरा हो तभी से उसका विरोध शुरू हो गया। तो लाहौर में इन्होंने नेतृत्व किया कि ठीक है मैं यहाँ का लीडरशिप करूँगा। तो ऐसा बताते हैं जिस दिन विरोध करना था उस दिन इनका साथ तबीयत नहीं ठीक था, तो इन्होंने मना किया कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप कुछ नहीं कीजिएगा और आप सिर्फ उपस्थित रहिएगा, क्योंकि आप लीडर हैं, यदि आप नहीं रहेंगे तो इस आंदोलन को हम नहीं मूव कर पाएंगे। और उसी दौरान लाठीचार्ज होता है और इसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो हमारे एग्जाम में आता रहता है कि मेरे जीवन की, मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक प्रहार, एक एक लाठी अंग्रेजों के लिए ताबूत की कील साबित होगी, मतलब मेरा ये मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था, तो स्कॉट ने दिया था, जो जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर है साथियों? इन्होंने कुछ बुकें भी लिखी हैं। ये आर्य गजट के एडिटर भी रहे हैं। इन्होंने हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी काम किया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया किसने लिखा है, इन्होंने बायोग्राफी ऑफ मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा ये भी लिखा है, ये क्वेश्चन आ जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन 1920 इन्होंने लिखा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हिंदू इम्प्रिजन लिखा है, आर्य समाज भी लिखा है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन भी लिखा है। समझ पा रहे हैं? तो ये वो पॉइंट है जहाँ से हमें क्वेश्चन मिलता है ढेर सारा। यहाँ तक साथियों, किसी बच्चे को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको बड़ी आराम से टेंशन फ्री होकर पढ़ना है, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। एक एक वर्ड हमने एनसीईआरटी से उठा रखा है, यूपीएससी जैसे एग्जाम में जाएंगे तो आपको बड़ी मजा आएगा। चले अब आ जाइए बिपिन चंद्र पाल, इनको हम कहां पर, अच्छा अब देखो, यदि ये पूछ लिया जाए फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थ्रू थॉट्स इन इंडिया, भारत में क्रांतिकारी विचारों का पिता कौन है, तो किसे हम कहेंगे, पाल को, बिपिन चंद्र पाल को करेंगे। और ये मॉडरेट थे शुरू में, बाद में एक्सट्रीमिस्ट हो गए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा उदारवादी नेता बाद में उदारवादी नेता उग्रवादी नेता के रूप में कन्वर्ट हो गया। और इन्होंने किसके साथ मिलकर काम किया था, अरविंदो के साथ मिलकर। बंगाल विभाजन के दौरान इनका मोह भंग हो गया अंग्रेजों से और इनको समझ में आ गया कि अंग्रेजों के साथ रिक्वेस्ट से बात नहीं बनेगी। चले, इन्होंने भी कई तरीके की बुकों में काम किया है, बंगाल पब्लिक ओपिनियन, द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर, न्यू इंडिया, है ना, इस पर काम किया है। तो अपने एसएससी लेवल पे बहुत ज़्यादा इनसे नहीं है, बल्कि एसएससी के बेसिक लेवल पे बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बेसिक सा कि क्या था इनका आंदोलन, क्या था बेसिक कॉन्सेप्ट, वो हमने आपको बता दिया। अब यहाँ अरबिंदो घोष,
अरविंदो घोष को जब जेल में डाला गया है बंगाल विभाजन के बाद, उसके बाद पता नहीं उनको क्या ऐसा महसूस होता है, और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रवाद का मार्ग छोड़ करके धर्म के शरण में चले गए, और वहाँ पर जा करके उन्होंने अरविंदो आश्रम की स्थापना की, और फिर वहीं से बाकी चीज़ों पर काम करने लगे। लेकिन कल्चरली उन्होंने हमेशा अपने बुकों के थ्रू राष्ट्रवाद को विचारधारा को बनाए रखा है। तो एक बार देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्होंने जा कर के कैम्ब्रिज में किंग्स कॉलेज में स्टडी की है। ये क्रांतिकारी आंदोलनों के में काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। फिर इनको जेल में डाला गया और उसके बाद वो जा करके वो पौंडीचेरी में बस गए और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में ध्यान देने लगे, और वहाँ पर जा करके उन्होंने एक योगा पर, इंटरनल योगा पर काम करना शुरू कर दिया, और अरविंदो घोष आश्रम की स्थापना कर दी। किसके मदद से? मीरा अल्फारसा एज द मदर के नाम से जानते हैं। इन्होंने कई सारी बुकें, लाइव डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री, ऐसी कई सारी बुकें लिखी, और सब में लगभग रिलीजन के माध्यम से राष्ट्रवाद की विचारधारा को बनाए रखा। सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास किए थे क्या? जवाब है नहीं। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं बंगाल के विभाजन ने कैसे कैसे राष्ट्रवाद को पैदा किया था। देखो एनसीईआरटी कितने तरीके से चीज़ों को हर स्टेप पे रिवाइज करने का कोशिश करती है, इसीलिए एनसीईआरटी बेस्ट है। चले अब एक्सट्रीमिस्ट की क्या अचीवमेंट है। एक्सट्रीमिस्ट पहले थे जिन्होंने स्वराज को भारतीयों के मन में डाला कि इट इज़ अ मैटर ऑफ बर्थ राइट, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह हमें लेना चाहिए। इन्होंने भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सिखाया, इन्होंने बताया कि अधिकार लेने पड़ेंगे। इन्होंने देश में नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की। तो ऐसा कई बार कहते हैं कि गांधी जी जो आए और गांधी बन पाए तो उसका आधार इन लोगों ने ही तैयार किया था। लोगों को अब एक नेता की कमी महसूस हो रही है, अचानक तिलक की मृत्यु हो जाएगी और गांधी आएंगे और फिर गांधी इस चीज़ को लीडरशिप कर पाएंगे। तो ये जो बेस तैयार किया है किसने? एक्सट्रीमिस्ट ने तैयार किया है। कह रहे हैं दे वेर द फर्स्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट, दैट वॉज द स्वदेशी मूवमेंट। चले अब इसी बीच में एक्सट्रीमिस्ट का रोल अब खत्म करते हैं और एक पैरेलल एक संस्था उत्पन्न होती है, दैट इज मुस्लिम लीग। दिसंबर 1906 में बहुत सारे मुस्लिम एकत्र होते हैं, किस बात को लेकर के? कि हमें अपनी शिक्षा पर भी कुछ काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पर ढाका का जो नवाब है, नवाब सलीमुल्लाह खां, वो प्रपोजल देता है कि हमें सिर्फ शिक्षा शिक्षा पर नहीं, अपने अधिकारों को मजबूती से अंग्रेजों के सामने रखने की भी ज़रूरत है। और इसकी बात को मान करके सारे मुस्लिम लीडर ने डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्थापित करते हैं। वकारुल मुल्क इसे मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने थे, और 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग स्थापित हो जाता है। तो दो कतरे के क्वेश्चन, किसके प्रयासों से? नवाब सलीमुल्लाह खान, और कौन? वकारुल मुल्क, दैट वाज द फर्स्ट चेयरमैन, कहाँ पर? ढाका में। ऐसा बताते हैं कि यहाँ जाने से पहले जो ये मुस्लिम नेता थे, इन्होंने 1 अक्टूबर को क्या नाम है मिंटो से मुलाकात भी की थी।
तो ऐसा कहते हैं कि मिंटो ने ही इन लोगों के मन में डाला था कि मुसलमानों के लिए एक अलग संस्था होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज ये समझ चुके थे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लागू करना है। और साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने काफ़ी इनको प्रमोट भी किया है, सपोर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। और इसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म लाया जाता है और मुसलमानों को मोटिवेट करने के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम तैयार किया जाता है कि हाँ, हम कुछ सीटें मुस्लिम एरियाज के लिए रिजर्व कर देंगे, आप वहाँ से सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा। और फिर धीरे 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 ये बढ़ता चला जाएगा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड में बाकी लोगों के लिए बढ़ेगा, 1935 में और लोगों के लिए बढ़ेगा। ये किसी दिन मैं एक्ट कराऊंगा तो और डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी के लिए बस ये ध्यान रखना है कि इन के आधार पर सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दे दिया गया मुसलमानों को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा। अब देखो, अंग्रेजों का जो पर्पज था वो लगभग पूरा हो गया। कांग्रेस जो अब तक राष्ट्रीय पार्टी थी, मुस्लिम लीग के आते ही कांग्रेस एक तरीके से हिंदू पार्टी बन गई, घोषित रूप से नहीं, अघोषित रूप से। क्योंकि यदि मैं मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं देश के लिए तो लड़ रहा हूं, लेकिन मैं देश के लिए किस रूप में लड़ रहा हूं? मुस्लिम के रूप में। तो मैं यहां पर किस रूप में लड़ूंगा? हिंदू के रूप में। और बस अंग्रेजों को यही था। आपको आगे चल के बताऊंगा, जब क्रिप्स मिशन पहला प्रपोजल था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, वी आर रेडी टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आप लो बनाओ, लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, एक हिंदुस्तान के लिए, एक पाकिस्तान के लिए। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, आप डिसाइड करो कि आपको एक चाहिए दो चाहिए, चलो तब तक सेकेंड वर्ल्ड वार लड़के आते हैं। रिजल्ट ये हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मतभेद के कारण बन नहीं पाया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर जाकर चार साल बाद 1946 में। तो ये जो इन्होंने जहर बो दिया, आज हम जब कोई बात कहते हैं तो आप मेरे नाम के आगे ढूंढते हो कि इसके नाम के आगे क्या टाइटल लगा है या क्या जाति लगी है, क्या धर्म लगा है। तो ये शुरुआत अंग्रेजों ने हमारे अंदर डालनी शुरू कर दी कि हाँ, आपको अपने लिए काम करने की ज़रूरत है। और मैंने आपसे बोला था, मैं इस मंच पर नहीं पढ़ा पाया फंडामेंटल राइट, मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा, हम पूरी ज़िंदगी रिलीजन को लेकर के और जाति को लेकर के उलझे रहते हैं, जबकि ये मुझे आपको अपनी च्वाइस से नहीं मिले हैं। क्या मजा आता कि जब आप 18 के होते, 21 के होते, तो आप चूज करते कौन सी जाति अच्छी, कौन सा धर्म अच्छा, तब आप उसको लेते और उसके हिसाब से लड़ते, लेकिन वो नहीं है। लेकिन इन सब से हम इतना इमोशनली जुड़े हुए हैं कि हम इसको लेकर के बायस्ड होते हैं, इस जाति के लोग ऐसे होते हैं, इस धर्म के लोग ऐसे होते हैं, ये जो सोच है। इसी का फायदा उठा के इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। तो इस तरीके से साथियों, हमारा मुस्लिम लीग स्थापित हो गया। अब आ रहा है लखनऊ पैक्ट। लेकिन लखनऊ पैक्ट से पहले साथियों, ये घटना और घटित होगी, एनसीईआरटी ने यहां पर मेंशन नहीं किया, मैं कर देता हूं। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को डिवाइड कर दिया गया और बंगाल दो हिस्सों में बट गया। और धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ हम भारतीयों का विरोध बढ़ता चला जा रहा है, आंदोलन बढ़ते चले जा रहे हैं। अब अंग्रेजों को लगा कि यार, इनको लड़ा के ही काम करो, इनको नाराज करके मत करो, इनको आपस में लड़ा दो, जो अभी आजकल की सरकारें भी करती हैं, विकास की बात तो भूल जाएंगे। जैसे आप में से अधिकांश लोग किस बात के लिए लड़ते हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई रिजर्वेशन प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम क्या है, वैकेंसी नहीं है। हमने कहा था आपसे कि जॉब कम हुई है लगभग 3000% के रेशियो से, और रिजर्वेशन बढ़ा है 600% से। तो हमें आपको आंदोलन किस बात के लिए करना चाहिए? जॉब बढ़ाओ। हम ये इग्नोर कर देते हैं, हम आपस में लड़ने लगते हैं रिजर्वेशन के नाम पर। यह शुरुआत से चल रहा है, ये जब से देश गुलाम था, ये राजनीति पॉलिटिक्स करने की। अंग्रेजों ने भी यही किया कि ऐसा करो, इनका धीरे धीरे इनको आपस में लड़ाओ मुस्लिम हिंदू के नाम पर, और इनको खुश भी करना है। तो 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, जॉर्ज पंचम आया दिल्ली, और इसने आकर के दो घोषणाएं की। पहला, कहा बंगाल विभाजन को समाप्त करो, बंगाल डिवीजन को खत्म करो, जैसा बंगाल था वैसा ही कर दो दोबारा, और बंगाल से एक स्टेट बिहार अलग कर दो, बाद में इसी बिहार से बाद में उड़ीसा अलग हो जाएगा,
और दूसरा, अब जब अंग्रेज आए थे शुरू शुरू में, तो इनका शासन कुछ बंगाल बंगाल तक, कोलकाता कोलकाता तक, लेकिन धीरे 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 इनका शासन अब बढ़ चुका है। तो अब इनको एक ऐसे जगह राजधानी बनानी है जहां से ये सेंट्रली कंट्रोल कर पाए। तो इसने आगे कहा कि नाउ दिल्ली अनाउंस्ड एज अ कैपिटल, दिल्ली को हम राजधानी बना देते हैं। और ये दिल्ली साथियों 1 जनवरी 1912 को राजधानी बन गई, घोषित हुआ है 11 में, लेकिन बनाई गई है कब, 1912 में। क्लियर है दोस्तों, दिल्ली दरबार जॉर्ज पंचम के नेतृत्व में 1911 में। जॉर्ज पंचम की जो वाइफ थी वो थी क्वीन मैरी, ग्यारह दिसंबर 1911 को हुआ है और 1 जनवरी 1912 को कैपिटल बन गया। बंगाल विभाजन खत्म कर दिया गया और बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। यहां तक साथियों कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, कोई डाउट हो, कोई क्वारीज हो तो यहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं। क्यों दिल्ली को कैपिटल बनाया गया ये भी हमने समझा दिया, कब बनाया गया ये भी हमने समझा दिया। चलिए, अब आता है होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट इन 1916। होम रूल पे कैसे पहुंच गए, अभी तो होम रूल पे नहीं पहुंचना था। चलो होम रूल से पहले एक पॉइंट और देख लो ताकि होम रूल पे बाद में आएंगे। हाँ, लखनऊ पैक्ट समझना। अब साथियों, अब दोस्तों, अब उधर तिलक मांडले जेल से रिलीज होते हैं 14 में, और 14 में रिलीज होने के बाद वो उम्मीद करते हैं कि ब्रिटेन का यदि हेल्प किया जाएगा तो ब्रिटेन हमें इसके बदले में आज़ादी दे देगी। काफ़ी हद तक वो मदद भी करते हैं, लेकिन बाद में उनको समझ में आता है कि यार हम यदि आपस में बटे रहेंगे तो दिक्कत होगी। तो इस बात को लेकर के 1916 में लखनऊ में दो बड़ी घटनाएं घटित होती हैं। एक कि पहला जो मॉडरेट, अच्छा अभी तक एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए हैं, जो ओरिजिनल कांग्रेस है अभी 1916 तक वो मॉडरेट के पास है, तो मॉडरेट ने तिलक के प्रयासों से एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी आओ हम आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी एक्सट्रीमिस्ट नहीं शामिल थे कांग्रेस में, कांग्रेस का सेशन होता रहा, सब कुछ उनके कंट्रोल में था। 1916 में एक्सट्रीमिस्ट जा करके मॉडरेट के साथ मिल गए, तो हम इसको एक अच्छे शब्दों में क्या कहते हैं, कांग्रेस का यूनिफिकेशन हो गया, कांग्रेस का एकीकरण हो गया। लेकिन सच्चाई की बात क्या है, एक्सट्रीमिस्ट को मॉडरेट ने परमिशन दे दिया कि ठीक है जी आओ आप हमारे साथ रहो, और कांग्रेस यूनाइट हो गई। दूसरा एक प्रॉब्लम क्या था, दूसरा प्रॉब्लम क्या था साथियों, कि अब मुस्लिम लीग अपने आप को अलग रिप्रेजेंट कर रहा है, कांग्रेस अपने आप को अलग रिप्रेजेंट कर रही है। तो तिलक उनको यह समझाने में सफल रहे कि यदि हम इस तरीके से लड़ते रहेंगे तो हम आजादी का तो उद्देश्य नहीं ही प्राप्त कर पाएंगे। तो तिलक के प्रयासों से इसी लखनऊ पैक्ट में, इसी लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एग्रीमेंट हो गया और हिंदू मुस्लिम एकता को सहमति दे दी गई। तो दो घटनाएं घटित हो गई, कांग्रेस यूनाइट हो गया और हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया कि हाँ हम मिलजुल करके लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, तीसरा है पॉइंट कि इसी टाइम पर गांधी जी पहली बार, मैंने पहली बार तो नहीं, पहली बार 1901 में हुए हैं, साउथ अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ऑफिशियली यहीं पर लखनऊ समझौते में ही कांग्रेस में शामिल होते हैं।
क्लियर है साथियों, लखनऊ पैक्ट क्या है, कौन है, इसके चेयरमैन कौन थे लखनऊ पैक्ट के, अंबिका चरण मजूमदार, ये हम पढ़ा चुके हैं, एसी मजूमदार, ये जानना चाहिए क्या है, क्यों है, कैसे, यहां तक साथियों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं होम रूल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट। होम रूल का मतलब क्या है? होम रूल का मतलब है स्वशासन, हमें अपना शासन चाहिए विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी पूरी आजादी की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना, अभी तक हम आपके मदद से ही आजादी चाहते हैं, हम शासन करना चाहते हैं, आप हम पर बने रहो, लेकिन हमें आजाद, हमें अपना शासन करने दो, हमें अपना कार्य करने दो, दैट इज द होम रूल। तो मतलब क्वेश्चन पूछे क्या होम रूल कंप्लीट इंडिपेंडेंसी की बात करता है, क्या पूर्ण आजादी की बात करता है क्या? तो जवाब है नहीं, पूर्ण आजादी की बात नहीं। वो क्या बात करता है? वो बात करता है आजादी किसके मदद से? अंग्रेजों के मदद से। वो बात करता है क्या? गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। तो पूरी आजादी नहीं है, कंप्लीट इंडिपेंडेंसी अभी नहीं है, आपके मदद से ही शासन करेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी पुणे में तिलक जी के द्वारा जेल से आने के बाद, और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में सितंबर 1916 में, और उनके द्वारा अप्रैल, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में पुणे में, और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर में 1969 में। इनका पर्पस क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। इट बिलीव फ्रीडम वॉज द नेचुरल राइट ऑफ ऑल नेशन, स्वतंत्रता सभी का प्राकृतिक अधिकार है, कोई इसको छीन नहीं सकता है। चले क्यों लाया गया? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद के दौरान हमें लगा कि हमें अब इन पर प्रेशर डालना चाहिए और हमें अपने अधिकारों के लिए कार्य करने की जरूरत है, तो इस पर्पज से ये होम रूल लाया गया। अब यहां दो तीन बातें हमें जानने की जरूरत है। पहला, जो एनी बेसेंट का, जो तिलक और एनी बेसेंट ने, तिलक का जो आधार था वो मेनली कहां था? महाराष्ट्र, और एनी बेसेंट का बाकी जगहों पर है अधिकार, लेकिन कुछ पार्ट कर्नाटक के, कुछ पार्ट सेंट्रल प्रोविंस के। लेकिन यदि पूछा जाए कि ज्यादा कंट्रोल किसका था, तो एनी बेसेंट का। जैसे एनसीईआरटी क्या कहता है वो देखो, एनसीईआरटी कहता है कि मेन जो इनका ग्रोथ था वो तिलक का महाराष्ट्र तक था, बाकी जगहों पर एनी बेसेंट का था। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, दोनों का पर्पज वही था कि आइए हम बड़े लेवल पर इस मूवमेंट को, लोगों को जोड़ें। और सबसे खुशी की बात रही इस आंदोलन के दौरान कि हम महिलाओं को बड़े लेवल पर शामिल करने में सफल रहे। तिलक मूवमेंट कंसंट्रेटेड ऑन महाराष्ट्र, एनी बेसेंट मूवमेंट कवर्ड द रेस्ट ऑफ कंट्री। तो ये क्वेश्चन कई बार उल्टा करके दे देता है स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी में, क्या सही है क्या गलत है। और उन्होंने नेशनल मूवमेंट का आधार तैयार कर दिया इस होम रूल के द्वारा। तो किसी ने पूछा था होम रूल क्या है, कैसे है? होम रूल का आंदोलन का इफेक्ट यह हुआ कि सरकार, अंग्रेजों ने यह डिसाइड किया कि हाँ आपके जो अधिकार है वो हम देंगे, और उसी के आधार पर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, और उसमें कहा गया कि हम हर 10 साल पर चेक करेंगे कि क्या भारतीय इस लायक हो गए हैं कि उनको शासन दे दिया जाए। कल की क्लास में आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाने में सफलता प्राप्त कर ली, इन्होंने एहसास कराया कि पूरा भारत अब एक हो रहा है, और यदि हम इनकी बातों को नहीं मानेंगे तो हमारे लिए खतरा होगा। और उन्होंने अनाउंस किया कि हम जल्दी आपको आजादी की तरफ मूव करेंगे। चले अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट थी कौन? ब्रिटिश नागरिक थी, अंग्रेज थी,
लेकिन इनकी इनका कार्य क्षेत्र कौन सा रहा है? भारत। और इनकी मृत्यु भी चेन्नई में, भारत में ही हो गई है। इनको थियोसोफिकल सोसाइटी की विचारधारा के समर्थक थी। मैडम ब्लास्टकी ने इनको भारत भेजा था और थियोसोफिकल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही ये आई थी। और यहाँ पर आकर के इन्होंने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर के भारत की समस्याओं को समझा और भारतीयों के लिए काफ़ी सहयोग भी किया है। और 1917 में कांग्रेस की पहली महिला बन जाती हैं जो कांग्रेस की चेयरपर्सन बनती है। मुझे बताओ 1917 में जब ये कांग्रेस की चेयरपर्सन बनी थी तो उस समय कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था? ये कल पढ़ाया था हमने, कई बार पढ़ाया है। इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल इस्टेब्लिश किया 1898 में। इन्होंने नेशनल बोर्ड मुंबई को स्थापित करने में हेल्प किया है। तो कई सारे इनके योगदान हैं। चल, और क्रांतिकारी मूवमेंट हम अलग से देखेंगे, भगत सिंह वाला, छोटे छोटे संगठन जो शुरू शुरू में आएंगे वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। क्रांतिकारी वाले पे हम अभी कुछ टच नहीं करेंगे। यहाँ तक साथियों जो हमने आपको बताया है, यहाँ तक आपका कोई डाउट कोई क्वारीज हो तो कमेंट करके पूछें, नहीं तो हम आपका क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। कोलकाता, गुड। और फिर बाद में सरोजिनी नायडू 1925 में कहाँ पर? कानपुर। तो पहली भारतीय महिला हो जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम सीधे आपका क्विज सेशन शुरू करते हैं। कोई डाउट कोई क्वारीज ना हो तो हम आपका क्विज सेशन शुरू करें। क्या लगता है, परमिशन है दोस्तों? कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई क्वारीज नहीं? कोई क्वारीज नहीं है? तुम निकम्मे, इतने टैलेंटेड हो गए, कोई क्वेश्चन कोई क्वारीज ही नहीं रह रहा है। सही है भाई, सही है। चलिए ठीक से भाई। चल, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते? क्या आपका कमेंट नहीं पढ़े बताइए? ऐसा हो सकता है आपका कमेंट ना पढ़े? हमें इसी पृथ्वी पर रहना है भाई, आपका कमेंट हम बिल्कुल पढ़ेंगे। बिना कमेंट पढ़े हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जितना आप समझा रहे हो उतना डाउट नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं। अभिनव भारत क्या था? ये आएगा आएगा आएगा। अभिनव भारत वाला कहाँ पढ़ाया? नहीं ना, क्या कहा हमने? रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में अलग से पढ़ाऊंगा, सारा डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लो। चलो कुछ थोड़ा बहुत कोर्सेज के बारे में जान लीजिए। कुछ हम लोग बैचेज भी ला रहे हैं तो ये भी गलती से पीडीएफ खुल ही गया है, तो इसके बारे में थोड़ा जान ही लीजिए। आप लोग की शिकायत थी कि सर आपका फोटो नहीं डालते हैं, तो अभी हम लोग CHSL और CGL को ध्यान में रखकर के 26 अक्टूबर को एक बढ़िया सा बैच ला रहे हैं जिसमें इंडिया के सारे अच्छे एजुकेटर्स होंगे। और यदि आप सीरियस और अच्छी और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, दो तरीके की बात है। एक तो है कभी कभी पढ़ लिए, आए और देखे कुछ अच्छा चल रहा है पढ़ लिए, और एक है कि सीरियस और रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं हमारे अच्छे एजुकेटर्स के साथ मिल करके, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास ये पता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, अनएकेडमी के पास टेक्नोलॉजी है, आप तक रीच है, लो डाटा पर आपका काम चल जाएगा। तो इस बार मेरा भी फोटो है, लास्ट क्लास में कोई बोला था कि सर आपका फ़ोटो क्यों नहीं है, तो अनएकेडमी ने कहा कि सर हम आपका भी फोटो भेज देते हैं, तो इस बार डाला हुआ है। ये सारे टीचर अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, मतलब इनमें से बहुतों को तो आप, बहुत लोगों को तो जान रहे होंगे आप, है ना, अपने आप में मैथ के इंग्लिश के टॉप एजुकेटर्स के रूप में, तो थोड़ा बहुत मैं भी आपको जुड़ेंगे तो पढ़ा दूंगा। और बहुत सारे स्कीम हैं, आप पढ़ते रहते हैं, इतना कुछ हम आपको दे रहे हैं, किसी भी टाइम पढ़िए, कहीं भी पढ़िए,
डाटा कंज्यूम सबसे कम है इनके ऐप का, पीडीएफ ले सकते हैं, T3 ले सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं, है ना, कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारा का सारा कुछ आपके पास है। ये अलग अलग प्राइसेज हैं, और दो एक साल या दो साल का कोर्स लेना चाहिए, दोनों का प्राइस लगभग सेम होता है। यहाँ जा करके एक कोड यूज कर देना है Sure60, जैसे ये कोड यूज करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, तुरंत आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। चले, और कोई एजुकेटर बुरा या ख़राब नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऑल आर गुड। आप किसके साथ कंफर्ट फील करते हैं, हर टीचर, जब इंसान टीचर बनता है तो डिसाइड करता है कि मैं मेरे बच्चों को इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि वो प्राउड फील करे। कोई टीचर ये नहीं कहता है कि हम खराब पढ़ाएंगे, अब खराब पढ़ाने की कोशिश करता है ना। तो हम लोग तो टीचर अपने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाले प्रोफेशन में हैं, कोशिश ये होता है कि एक्सपीरियंस का फ़ायदा आप उठा पाएं, ये मतलब होता है। और आप किसी टीचर को बेस्ट या गुड या बैड कहने के बजाय आप इस चीज़ को देखा करें कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो चीज़ हमारे एग्ज़ाम का है या नहीं। आप, आपको वो चीज़ वैसे पढ़ाया, दो तरीके से बातें होती हैं, एक वो कि क्या आपको वो पढ़ाया जा रहा है जो एग्ज़ाम में आ रहा है, और क्या आपको वो पढ़ाया जा रहा है जो आपको समझ में आ रहा है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि वो पढ़ाया जाए जो एग्ज़ाम में है, वो पढ़ाया जाए जिससे आपको फ़ायदा हो। कहीं भी हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि सिर्फ आपको आपके खुशी के लिए पढ़ाया जाए। हमने आपसे कहा था कि हम आपका एक भी सेकेंड बर्बाद नहीं करेंगे, ये ज़रूरत था थोड़ा सा आपको बताना। अच्छे कोर्स ले करके आ रहे हैं तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें, आप सीख सकें, आपके माँ बाप आप पे प्राउड फील कर पाएँ, आपके बच्चे आपको पापा कह पाएँ, मम्मी कह पाएँ। चलें, शुरू करा जाए फिर साथियों। आज का ही सारे पीडीएफ मुझे पीपीटी खोलने पड़ेंगे, क्योंकि आज तीन पोर्शन में आपके क्वेश्चंस हैं, कल के एक है, कल के दो हैं, कल के टॉपिक से आज का एक है। तब तक कोई डाउट कोई क्वारीज कुछ कुछ पूछ लिया करो, इधर उधर के पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे ये पीपीटी वीपीटी खोलने आता नहीं है और इसमें लगता है टाइम यार। खुल ही नहीं रहा है, चलो खुल रहा है। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? स्वदेशी मूवमेंट एनटीपीसी जीके के लिए अच्छा बुक बता दो सर प्लीज। तुमको तो निकम्मे इतनी गोली मारूंगा ना कि तुम फिर दोबारा पूछेगा नहीं ये क्वेश्चन। तुमको लास्ट 6 महीने समझा रहा हूँ, एनटीपीसी का अलग से बुक नहीं होता है, सीजीएल का अलग से बुक नहीं होता है, सीएचएसएल का अलग से बुक नहीं होता है। एक प्रॉपर बेसिक तैयारी कर लो और सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन खैर तेरी गलती भी नहीं है, टीचर ही बोलते हैं कि ये बुक एनटीपीसी के लिए, ये बुक सीजीएल के लिए, ये बुक सीएचएसएल के लिए। तो तब से कमेंट कर रहा है कि सीएचएसएल के लिए करंट बता दो, सीएचएसएल के लिए जीके बता दो, ये मैं किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? सुधर जाने कब में, हाँ नरेंद्र यू आर राइट, लॉर्ड कर्जन मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुए। द फॉलोइंग इज नॉट द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, निम्नलिखित कौन स्वदेशी मूवमेंट में नहीं जुड़ा हुआ था बताओ? सर जीएस को पढ़ा रहे स्टैटिक और करेंट अफेयर कोई नहीं करवाता है, एग्जाम में भी आता है ये सब, आपने पढ़ाया इसलिए सब आप पर ही भरोसा करते हैं। भरोसा नहीं करते हैं ना निकम में, भरोसा नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। भरोसा करते तो चुपचाप 9 बजे से लेकर के रात को 10:30 बजे तक गुरुजी पढ़ाओ जो पढ़ाओगे। हर दिन यही क्वेश्चन मैं बताता रहूँ कि कैसे तैयारी करें और क्या पढ़ें, तो मेरी भी इंसल्ट है और तेरा तो है ही। इसका सिंपल सा मतलब है कि तू आया यूट्यूब पे और वीडियो चल रहा था, 4 मिनट देखा और फिर फेंक दो क्वेश्चन।
कौन नहीं था साथियों? गांधी जी नहीं थे। कुछ निकम्मे पाल कह रहे हैं, गांधी जी थे देश में उस समय? नहीं थे। हुए मंग द फॉलोइंग ओपन कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड हेडेड द स्वदेशी वास्तु प्रचारणी सभा ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। ये अपने आप में एक मुश्किल क्वेश्चन है, कर पाते तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किसने सहकारी समितियों को खोला और स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का नेतृत्व किया? दिल्ली को ही क्यों कैपिटल बनाया, वैसे क्या व्यवस्था था? कब मैं बताया नहीं दिल्ली को क्यों कैपिटल बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से क्यों ट्रांसफर करने की कोशिश की थी? सब्जेक्टिव टॉपिक पढ़ाइए ना। नहीं, हम सब्जेक्टिव टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, हम ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाएंगे। देख लो दोस्तों, ये आए 2 मिनट पहले और आके अब गाइड करना शुरू कर दिए। इनको लग रहा है कि अभी क्लास शुरू ही हुई है। हे भगवान, इनको सद्बुद्धि देना। क्वेश्चन का मीनिंग क्या था? क्वेश्चन का मीनिंग था वो किसने शुरू किया था, स्वदेश बंधु समिति की स्थापना किसने की थी। ये हम आपको एक टेबल देंगे, उसमें सब क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। दैट वाज द अश्विनी कुमार दत्त। आप सबको निकम्मा क्यों बोलते हैं? हम सबको प्यार करते हैं। आपको हर्ट हो गया होगा, ऐसे अचानक आएंगे तो ऐसे ही लगेगा कि सर ऐसे कुछ भी गलत शब्दों का उपयोग करते हैं विद्यार्थियों के लिए। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, बताओ? बताया था 1906 में कौन था? दादाभाई नेहरू जी, एवं एमके गांधी, बीजी तिलक। हम आपको बबुआ बबुआ कहें ना, मुन्ना कहें, सोना कहें, फ्यूचर का इंस्पेक्टर कहें तो आपको अच्छा लगेगा, हम निकम्मे ही कहेंगे। आपको अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं, और दिल्ली रहते होंगे तो आपको पता ही होगा। इसी में उन्होंने क्या कहा था, स्वराज की बात की थी कि हमें हमें स्वराज चाहिए कांग्रेस के मन से। वट आर द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी आंदोलन का गंभीर परिणाम क्या हुआ? इमरजेंस ऑफ कॉम्युनल पॉलिटिक्स, स्प्लॉइट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल। वट आर द सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं सी, क्या सी होगा साथियों? क्योंकि स्वदेशी के कारण से बंगाल नहीं बटा था, बंगाल के बटने के कारण स्वदेशी बटा, और उसको चलाने के मुद्दे पर डिस्प्यूट को लेकर के कांग्रेस बटी बन गया। हु प्रमोटेड स्वदेशी मूवमेंट इन पंजाब थ्रू द ब्रह्मो लर्निंग ग्रुप बिगेन द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर? ये लोकल क्वेश्चन टाइप के हैं, लाला हरकिशन लाल। हु अमंग द फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति इन कोलकाता ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? प्रमोता मित्रा, बरिंदर कुमार घोष, जतिनाथ बनर्जी, उपरोक्त सभी। ये एसएससी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, लुसेंट में बहुत क्लियर यहां पर दिया गया है, बताओ कौन? तो ऑल थ्री, इन सब ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। ये टेबल दूंगा मैं, कौन सा संस्था किसने स्थापित किए।
who supported the Swadeshi movement during the Banaras session of National Congress? Bataiye. Lucent अच्छा book है. Lucent अच्छा कोई book नहीं भाई. Gopal Krishna Gokhale ने. Who of the following was considered by the British to the father of Indian unrest? बताओ. हमने बताया था British writer चिरोल ने कहा था he is the father of unrest. भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का दूत किसको कहता है वो? तो किसको कहता है साथियों? तिलक जी को. तिलक ने बेसिकली अपने बुक में लिखा कि यदि आपका मित्र, आपका गुरु गलत करता हो तो आप बिना व्यक्तिगत स्वार्थ के उसका विरोध कर सकते हैं. और उनकी बात को मान करके दो प्रदर्श थे और उन्होंने ब्लैक कमिश्नर की हत्या कर दी. तिलक द्वारा शुरू किया गया अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? केसरी. आज ही बताया था केसरी किस भाषा में था? मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में? हिंदी इंग्लिश दोनों में. दो किया था उन्होंने, एक केसरी और एक मराठा. मराठा था इंग्लिश में और केसरी था मराठी में. चले. द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाई. होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की? बताइए किसने किया था साथियों? तभी हमने सीखा था तिलक ने. मान लो अलग ऑप्शन होता एनी बेसेंट और दोनों में से एक चीज करना होता तो तिलक ही करते, क्योंकि पहले इन्होंने शुरू किया था. सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताओ. आज ही बताया. आज नहीं बताया, कल बताया. जब लास्ट क्लास में हमने मॉडरेट के बारे में पढ़ा था तो वहां पर डिस्कस किया था. तो कौन था? गोखले. चल. हु वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920? चलो ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी यहां तक हम पहुंचे नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कौन था साथियों. दैट वॉज द लाला लाजपत राय. चल. द नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाई. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी तो हमने बहुत बार पढ़ लिया. यो ह्यूम. यही पूछा जाए कांग्रेस का पहला सेक्रेटरी कौन था? यो ह्यूम. पहला चेयरमैन पूछ लिया जाए तो डब्ल्यू सी बनर्जी. ब्योमेश चंद्र बनर्जी. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आई गया. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो कौन? डब्ल्यू सी बनर्जी. स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू किया गया? किस घटना के बाद? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. बंगाल विभाजन के विरोध में. चल. विथ रेफरेंस ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर द गिवन. कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ? बताओ. ए बी सी डी बताइए. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब? 1905. सूरत डिवीजन कब? 1907. लखनऊ पैक्ट कब? 1916. चलो. Where was the when the extremists were admitted into Congress? Extremist कब मिले थे कांग्रेस में? बताइए. तो अभी हमने सीखा था आज ही लखनऊ पैक्ट में तिलक जी के प्रयासों से. चल. Which Muslim leader joined the Home Rule League founded by N.A. Besant? कौन सा मुस्लिम नेता था जो
होम रिलीफ को ज्वाइन करेगा, सोच के देखो कौन होगा उस समय। तो ऐसे अच्छे अच्छे काम कौन करेगा? जिन्ना करेगा, बाद में बड़ा नेता बन जाएगा और यही सबसे बड़ा विरोधी हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर अपोज द एनी बेसेंट आइडिया ऑफ लॉन्चिंग होम रूल आंदोलन? कौन है जो एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन का विरोध करेगा? सोच के देखो, क्या कोई एक्सट्रीमिस्ट व्यक्ति करेगा? नहीं। क्या गांधी जी हैं? नहीं। तो बचा कौन? मॉडरेट गोपाल कृष्ण गोखले। Who was the founder of Indian Association? बताओ, कल बताया था हमने, बाद में इसको कांग्रेस में मिला दिया गया 1886 में। तो कौन? SN बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी। चले, बाल गंगाधर तिलक वाज गिवन द ऑफ द लोकमान्य ड्यूरिंग? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब दी गई? स्वदेशी मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, ड्यूरिंग जेल। कब दिया गया साथियों? होम रूल आंदोलन के दौरान। क्या आप हमारे नेता हैं और आप बेहतर कर रहे हैं, ऐसा कह के। चले, तो ये वाला क्वेश्चन सीरीज तो हो गया खत्म। एक सीरीज और कर लेते हैं थोड़ा। कल हमने कुछ गवर्नर्स के बारे में बताया था, एक बार वो भी देख लेते हैं। क्या देख पा रहे हैं यहां तक? क्या दिख रहा है साथियों? Who among the following गवर्नर जनरल कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ बंगाल टाइगर? किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का टाइगर कहा है? बंगाल का शेर कहता था खुद को, कौन था साथियों? दैट वाज बेलेजली, है ना? कौन सी पॉलिसी लाया था ये बताओ, कल बताया था, सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, है ना? कब से कब तक था ये? 1798 से 1805 तक, 1798 से 1805 तक। जब कांग्रेस स्थापित हुआ था तो भारत का वायसराय कौन था? अभी ये क्वेश्चन आया था, पहले भी कई बार करा चुका हूं। 1884 से 1888 तक है, जो कहता है कांग्रेस कुछ सीमित लोगों को रिप्रेजेंट करती है और उनको बुला करके चाय पार्टी भी देता है, डफरिन। इल्बर्ट बिल क्या था? कल आपको डिटेल पढ़ाया था। किसके टाइम में आया था? '88 तक। एल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तुत किया गया, 1884 में वापस जाना पड़ गया। सी वी एल्बर्ट के नाम से था, इसमें जजों के मामले पे था, कैसे था, क्या था, हमने कल सारा कुछ सिखाया था। कौन सा? रिपन। चल, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? किसे भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है? अभी आज ही पढ़ाया था, जिन्हें लोगों को मोटिवेट किया कि ऐसा करिए, आप मुस्लिम लीग बना लीजिए, आप मुसलमानों के लिए काम करिए ताकि आपका भी विकास हो। लॉर्ड मिंटो। अच्छा, आप सबसे एक सजेशन है बड़े भाई के रूप में, कि आसपास में कोई आपको मजबूर दिखे इस समय लॉकडाउन में, लगे कि उसको मदद की ज़रूरत है, तो कीजिए। कल परसों हम लोग का एक साथी था टीचर, लॉकडाउन में पिछले 5-6 महीने से खाली था, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है था, उसने सुसाइड कर लिया।
आज मुझे पता चला है। तो पॉइंट क्या है कि बहुत सारे लोग हैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आसपास में कोई लगे कि ज़्यादा परेशान है तो उसको अपना थोड़ा बहुत कीमती समय दे दीजिए, उसको मोटिवेट कर दीजिए, उसको फाइनेंशियली या जिस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं उसको कीजिए। नया लड़का था, बिल्कुल बढ़िया, छोटा सा था, बड़े दुखी था मैं तो। हम अब आपसे तो ये नहीं कहूँगा आप उनको पैसे दीजिए, मदद कीजिए, लेकिन कोई भी ऐसा दोस्त मित्र घर परिवार आसपास में जो लगे कि जिनको आप ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत मदद कर सकते हैं तो करना चाहिए आपको। तो ये है लॉर्ड मिंटो। चले, अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेशन डिड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कल बताया था हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी उसने। कौन था साथियों? करजन। चले, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज डन बाई, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर के द्वारा किया गया था? तो कौन था साथियों? करजन था। देखो कर रहे हैं और भी किसी ने किया था, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करें, हम जिस सोसाइटी में हैं लोगों के पास कई तरीके के मेंटल प्रेशर में। लॉर्ड कर्जन, कौन सा सही मैच नहीं है, देख के बताओ कौन सा गलत है, कल पढ़ाया था ये। दो गज की दूरी से गुरुजी लोगों के दिल में भी दूरी आ गई है कसम से। सब लोग परेशान हैं अपने लाइफ में, समझो इस बात को, सब पे बहुत लोड है, फाइनेंशियली बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत लोग का व्यवसाय रुक गया। अब सोच के भी देखो, जैसे मैं अपने कोचिंग फील्ड का देख रहा हूँ, सब कुछ खुल गया लेकिन एजुकेशन नहीं खुला। पता नहीं कोरोना है, कॉलेज में होता है, कोचिंग में होता है, स्कूल में होता है, कहाँ होता है। तो जो लोग उस व्यवसाय से जुड़े हुए थे जिनको टीचिंग के अलावा और कुछ भी नहीं आता है, अब सरकारें कैसे पॉलिसी बनाती हैं पता नहीं। तो हो सकता है कि कोचिंग में ज़्यादा फैलता हो क्योंकि लोग आसपास में बैठते हैं। तो किसके टाइम पर साथियों? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कल हमने डिस्कस किया था, लिटन के टाइम। चले, डी, रेलवे और टेलीग्राफ सर्विसेज किसके टाइम पे शुरू हुआ था? इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। किसके टाइम पे साथियों? डलहौजी। नहीं, हमने तो मेरे बच्चों आपसे कहा था कि यदि आप प्लस कोर्स पे आ सकते हैं तो आइएगा, नहीं आ पाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ पूरा पढ़ाने का। और देखो ध्यान से, तो लगभग मैंने मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको पढ़ाए हैं ईमानदारी से। हम सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं खेले हैं, हमने टेलीग्राम पे भी जो मैटर दिया सिर्फ क्वेश्चन दे दिया और आंसर ना दिया, ऐसा नहीं किया। हमने कोशिश किया कि आपको फायदा हो, लेकिन आप हमारा वीडियो तो शेयर करेंगे नहीं। निम्नलिखित में से किसे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, किसी गवर्नर जनरल को? किसे साथियों? डलहौजी को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम पीरियड पे आया था, अभी बताया था हमने। किसके टाइम पे साथियों? लिटन के टाइम पर। चले,
घूमने फिरने के बाद वीडियो शेयर पर बात आ गई। ठीक है, मत किया करने कब में। तो कौन सा शेयर कर देगा तो मेरे घर में ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, और नहीं करेगा तो नहीं आएंगे। मेरा ये कहना है कि हो सकता है किसी ज़रूरतमंद बच्चे को फ़ायदा हो जाए। हु इज़ नोन एज द कंपनी अकबर, है ना, अकबर की पॉलिसी को लागू किया था, कल बताया था कि सबसे बदमाश था। तो कौन था साथियों? बेलाजली सहायक संधि लगाते करता था, कहता था यदि हमारे पॉलिसी को लागू करो नहीं तो लड़ो। सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि कौन लेके आया था? आजकल बच्चों को टीचर नहीं, इंटरटेनमेंट टीचर चाहिए। तो मैं इंटरटेनमेंट में कॉमेडी तो करूंगा नहीं, आप पर्सनल लाइफ में आइए, मुझसे जितना कॉमेडी करवाना है करवाई। मैं टीचर की गरिमा, टीचर का रिस्पेक्ट, टीचर का जो काम है वो करूँगा, पढ़ाने का वो करूँगा। मैं आपका ईगो हर्ट नहीं करूँगा, आपको सम्मान करूँगा, पढ़ाऊँगा जरूर, मेरे से कॉमेडी नहीं होगा। लॉर्ड बेलेजली, कॉमेडी देखना है तो आइए ऑफलाइन क्लास में, नाच के भी दिखाया जाएगा। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ लॉर्ड बेलेजली एज ए गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल के रूप में बेलेजली का कार्यकाल कितना था, अभी बताया था, क्या था, 1798 से 1805। हु स्टार्टेड द विलियम कॉलेज एट कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज, बताया था है ना, ट्रेनिंग के लिए। चले, द गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बताओ राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? ये कल भी बताया था, पहले भी बता रखा है, कौन, डलहौजी ने। चलिए, हमने तो आपसे कहा था कि हम जो टॉपिक पढ़ा देंगे वो आपको लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी करा देते तो दिमाग में बैठ जाता होगा। पीपीटी का यही फायदा हुआ, मतलब मैं जो महसूस करता हूँ कि डिजिटल बोर्ड का क्या फ़ायदा हुआ मेरा, तो मैं क्वेश्चन ज़्यादा करा पाया। पढ़ाने का तो कोई नहीं है, बोर्ड पे ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। अब बीच बीच में आपके कई बार बोर्ड पे भी क्लासेज होंगी, क्योंकि अब दो स्टूडियो लगा रहे हैं, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगा बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगा पीपीटी पर। द फर्स्ट दिल्ली दरबार वाज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग, तीन दिल्ली दरबार हुए हैं, 1877, 1903 और 1911, लेकिन सिर्फ एक ही दिल्ली दरबार में शामिल हो पाए हैं लोग। पहले वाले में तो आ ही नहीं पाए थे। जिंदगी सैड सॉन्ग हो गई है और आप कॉमेडी की बात कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी सैड सॉन्ग हो गई है तो आपको निकम्मे कुछ अच्छा करने की जरूरत है। जीवन के आप सबसे अच्छे फेज में हैं, 1924-25 साल के एज में, जिसे मैं आपको बहुत प्राउड होना चाहिए। 1913 में एडवर्ड सेवन एंड अलेक्जेंडर ऑफ डेनमार्क इम्पीरियर एंड इम्प्रेस ऑफ इंडिया, द टू फुल वीक ऑफ फेस्टिवल्स वेयर दिल्ली, है ना, कर्जन के टाइम पर। और फिर 1911 भी हमने पढ़ ही लिया था। तो पहला किसके टाइम, लिटन, दूसरा किसके टाइम, कर्जन, तीसरा किसके टाइम, मिंटो। चले, तो आज के लिए साथियों सेशन को यहीं ख़त्म करेंगे, और फिर रात को 11 बजे अनअकैडमी पर मिलते हैं मिक्स क्वेश्चन के साथ। और अनअकैडमी से जुड़ना हो तो आप SURE60 कोड यूज़ कर सकते हैं, टेलीग्राम यूज़ करना हो तो ये गैप दे करके ये चैनल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा धन्यवाद, खूब मेहनत कीजिए। नेशनल मूवमेंट यहाँ तक में शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके दिमाग में सारी बातें आ गई होंगी, बड़ी आराम से करा रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे फैक्ट है, तो उसको कैटेगराइज कर करके आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गुड नाइट साथियों, जय हिंद। सर एक बार निकम्मा बोल दीजिए, क्यों चाह रहे हो, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, मास्टर निकम्मा बोलता है, ऐसा नहीं, निकम्मा प्यार है, ये एक नहीं होता है, पिट वर्ड हो जाता है किसी किसी का, कोई ढक्कन कहता है, कोई निकम्मा कहता है,
कोई भोचू कहता है, तो ये ऐसे ही चल रहा है। आज तक कोई बुरा नहीं माना है, जब बुरा माने तो एक्चुअल में आप हमारे प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं। चलें साथियों, जय हिंद, गुड नाइट।